गुड मॉर्निंग। यह हमारी बीएससी पार्ट टू की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे हैं आजकल यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें अब तक आपने पढ़ा वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसके बाद आपने पढ़ा एब्जॉर्प्शन लॉज, देन बेसिक्स ऑफ यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, किस प्रकार के ट्रांजिशंस होते हैं, ये हमने पढ़े। आज हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम्स, और उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंट्स। तो सबसे पहले हम टर्म लेते हैं क्रोमोफोर। अब क्रोमोफोर देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्रोमोफोर्स। आप सबने सुना क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर्ड। तो ऐसे ग्रुप, ऐसे सब्सटेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर्स बोलते हैं। तो नॉर्मली क्रोमोफोर्स कौन से कंपाउंड होते हैं, जो पाई, जिनमें पाई पाई स्टार या एन पाई स्टार ट्रांजिशन हो सके। अब इसके लिए क्या जरूरी होगा, या तो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप उपस्थित हों, अनसेचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट हों, या ऐसे ग्रुप हों जिनमें डबल बॉन्ड के साथ साथ क्या हो हमारे पास, हेट्रो एटम हैविंग अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिससे एन पाई स्टार ट्रांजिशन हो सके। तो क्रोमोफोर्स के कंपाउंड कौन से होंगे, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड। जिनमें क्रोमोफोर प्रेजेंट्स होते हैं नॉर्मली उनके लिए टर्म यूज किया जाता है, उनको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोजेंस कह देते हैं। एक बार समझ लीजिए, फिर मैं लिखवा भी दूंगा सारे पॉइंट आपको। क्रोमोजेंस, जिनमें क्रोमोफोर प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजेंस कह देते हैं। ओके, अब जितने ज़्यादा क्रोमोफोर्स क्रोमोजन में प्रेजेंट होंगे, कलर की इंटेंसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ क्रोमोफोर के। सबसे पहले मैं आपको, लेट मी टेल यू सर्टेन एग्जाम्पल्स फॉर क्रोमोफोर। Similarly, N double bond N. Nitro group. इस टाइप के ग्रुप प्रेजेंट हों, नाइट्रोसो ग्रुप एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो हैं, ये किसके एग्जांपल्स बताएं आपको, क्रोमोफोर्स के। कभी कभी हम क्रोमोफोर को ऐसे डिवाइड भी कर देते हैं कि टू टाइप्स, उसके डिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, एन पाई स्टार ट्रांजिशन, ट्रांजिशन आप कल पढ़ चुके हैं। जैसे इसके अंदर कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई पाई स्टार, पाई पाई स्टार। इसके अंदर कौन सा होगा, पाई पाई स्टार भी होगा और एन पाई स्टार भी होगा, बिकॉज अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट, ये आपको कल बता ही चुका हूँ। तो क्रोमोफोर्स का मतलब क्या हो गया, वो ग्रुप जो कंपाउंड्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में जिनको लिखना चाहें थोड़ा सा लिख लीजिए आराम से, बिल्कुल सिंपल है। क्रोमोफोर पे जब भी आपको आता ही रहता है क्वेश्चन, भी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता रहता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हिंदी में देखो, हिंदी में क्या बोलते हैं क्रोमोफोर्स को, हिंदी में क्या बोलते हैं आप लिख सकते हैं। हिंदी का टर्म मुझे थोड़ा कम याद रहता है, वरण मूलक। हिंदी में लिख लीजिए आप, वरण मूलक। कार्बनिक पदार्थों में रंग, उनमें उपस्थित असंतृप्त समूहों के कारण होता है। ऐसे समूहों को वरण मूलक कहते हैं, ऐसे समूहों को वरण मूलक कहते हैं। अर्थात वे असंतृप्त समूह जो यौगिकों के रंग के लिए उत्तरदायी हों, उन्हें क्रोमोफोर्स कहते हैं। दैट इज अनसेचुरेटेड ग्रुप्स Responsible for the color of the compounds, are called chromophores. क्या बोलते हैं उनको, हम chromophores कहते हैं। जिन यौगिकों में वर्ण मूलक उपस्थित हों उन्हें chromogens कहते हैं। Compounds having chromophores are called chromogens. उन्हें हम क्या बोलते हैं, chromogen कहते हैं। जितने अधिक
क्रोमोफोर होंगे, उनका रंग उतना ही अधिक गहरा होगा। मोर द क्रोमोफोर्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द कंपाउंड मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। कारण आप समझ गए कि इसके अंदर कौन से ट्रांजिशन हो रहे हैं, पाई पाई स्टार एन पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहे हैं। एन पाई स्टार ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया कि ये लोग, ये जो ग्रुप हैं, विजिबल रीजन से लाइट का रेडिएशंस का एब्जॉर्ब करेंगे और कंपाउंड को क्या देते हैं, कलर देते हैं। तो क्रोमोफोर्स के कंसेप्ट हो गया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको पता चल जाना चाहिए कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं। नंबर टू इसके बाद आप लिखिए ऑक्सोक्रोम्स। नंबर टू क्या लिखा है, ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, जो खुद तो किसी प्रकार का कलर नहीं देते हैं लेकिन अगर क्रोमोफोर्स के साथ प्रेजेंट हों तो उनकी कलर देने की जो इंटेंसिटी है उसे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अर्थात हिंदी में इन्हें कहते हैं वर्णवर्धक, नाम से पता चला वर्णवर्धक। ऑक्सोक्रोम्स विच इंक्रीजेज द इंटेंसिटी, दे देमसेल्व्स डू नॉट प्रोवाइड एनी कलर। इसमें लिख लीजिए आप कि वे समूह जो स्वयं तो किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते परंतु किसी वर्ण मूलक के साथ उपस्थित हों तो उनकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। दैट द ग्रुप्स विच देमसेल्व्स डू नॉट प्रोवाइड एनी कलर टू द कंपाउंड बट इफ प्रेजेंट विद क्रोमोफोर्स देन इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। अब इनके एग्जाम्पल्स कौन से, देखो सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर के एग्जाम्पल्स में क्या होगा, देखिए आप, जिसके अंदर हमारे पास ये अनशेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, OH ग्रुप है, एलकॉक्सी ग्रुप है, से NH ग्रुप हो गया हमारे पास, NHR हो गया या NR2, ये सब amines के derivatives हो गए। दिस ये वाले ग्रुप जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ऑक्सोक्रोम्स के एग्जाम्पल, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सोक्रोम्स। इनके अंदर क्या है, देख लो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सब में, कौन से इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करेंगे, कलर देने की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन आपको पता है कलर्ड है, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन इज लाइट, नाइट्रोबेंजीन का जो कलर होता है, नाइट्रोबेंजीन का कलर कैसा होता है हमारे पास, लाइट येलो कलर्ड होता है, लाइट येलो कलर्ड है, तो कलर्ड है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप आपको पता है क्रोमोफोर था, क्रोमोफोर इज प्रेजेंट इन दिस। लेकिन इस नाइट्रो ग्रुप के साथ अगर हम इसके अंदर एक क्रोमोफोर लगा दिया OH, तो नाइट्रो ग्रुप तो है ऑलरेडी, क्या बन गया, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब पैरानाइट्रोफिनॉल जो है ये लगते ही क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाता है, बहुत डार्क हो जाता है, कलर इंटेंसिटी ऑफ द कलर इंक्रीजेस ड्यू टू दिस, इस कारण से कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो वो ग्रुप जो देमसेल्व डो नॉट प्रोवाइड द कलर बट इंक्रीजेज द इंटेंसिटी द कलर, उन हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोक्रोम्स बोलते हैं। ओके, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम जनरल टर्म है जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, गिव एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोफोर, गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सोक्रोम्स, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। बहुत सिंपल है लेकिन एक बार आपको टर्म आ जाएगा तो बहुत समझो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में नंबर वन हम पढ़ते हैं बैथोक्रेमिक शिफ्ट, बैथोक्रेमिक शिफ्ट, बैथोक्रेमिक शिफ्ट हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णोत्कर्षी विस्थापन, बैथोक्रेमिक शिफ्ट। तो बैथोक्रेमिक शिफ्ट का मतलब क्या है, देखिए अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब हो गया OH, CH3, आप समझते हैं NH2, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज डिस्प्लेस टूवर्ड्स हायर वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन बैंड
जो है लैम्डा मैक्स कह सकते हैं। अब लैम्डा मैक्स इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड हायर वेवलेंथ, तो हायर वेवलेंथ हो जाता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बैथोक्रेमिक शिफ्ट बोलते हैं। कौन शिफ्ट बोलते हैं, बैथोक्रेमिक शिफ्ट। हायर वेवलेंथ का मतलब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा बेंजीन लिया, आपने एग्जाम्पल लिया बेंजीन, अब बेंजीन के लिए जो लैम्डा मैक्स है, बेंजीन के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, से 254 नैनोमीटर है बेंजीन के लैम्डा मैक्स। लेकिन अगर बेंजीन में इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट देख रहे हैं, एक सब्सटेंट लगा दिया हमने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, अब मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या अभी बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइक एल्कॉक्सी ओ एच एन मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या करेंगे, द लैम्डा मैक्स इज डिस्प्लेस टूवर्ड राइट। टूवर्ड राइट का मतलब इसका जो लैम्डा मैक्स है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ के कितना हो जाएगा, 261 नैनोमीटर हो गया। कितना हो गया, 261 नैनोमीटर। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बैथोक्रेमिक शिफ्ट। बैथोक्रेमिक शिफ्ट इसको आप ये समझ सकते हैं, देखो जैसे मैं डायग्राम बना के अगर बताऊँ आपको, इसके अंदर ये हमारे पास था लैम्डा मैक्स की वैल्यू, और इधर हमारे पास आ रही है एब्जॉर्बेंस, और आप कह सकते हैं ई मैक्स, ठीक है। से हमारा बेंजीन के लिए लैम्डा मैक्स ऐसे था, दे कर फॉर दिस। लेकिन अगर हमने कोई ग्रुप लगा दिया, तो ग्रुप लगाने पे क्या होगा, दिस इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड राइट। पहले लैम्डा मैक्स अगर ये था, अब लैम्डा मैक्स क्या हो गया, ये बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, टूवर्ड्स राइट। और राइट साइड में देखो आप, आपने विबग्यो का कंसेप्ट पढ़ा है, शुरू शुरू में बता चुका हूँ आपको, राइट साइड में कौन सा कलर आएगा, रेड। रेड इसीलिए हम इसको रेड शिफ्ट भी कह देते हैं, बैथोक्रमिक शिफ्ट को हम साथ साथ क्या बोल सकते हैं, रेड शिफ्ट। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। दैट इज क्या मतलब होगा कि प्रतिस्थापन समूह के कारण लैम्डा मैक्स का उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन बैथोक्रमिक शिफ्ट कहलाता है। बस एक लाइन में लिख लीजिए आप सिंपल, कि प्रतिस्थापित समूहों के कारण लैम्डा मैक्स का उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन बैथोक्रमिक शिफ्ट कहलाता है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैम्डा मैक्स टूवर्ड्स हायर वेवलेंथ ड्यू टू सब्सटेंट इज कॉल्ड बैथोक्रेमिक शिफ्ट। आई होप दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, डन। नंबर दूसरा इफेक्ट देखते हैं इसी प्रकार से, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट में नंबर टू, और नंबर टू इफेक्ट को हम बोल रहे हैं हिप्सो क्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट मैंने ब्लू पेन से क्यों लिख दिया, जैसे उसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं, इसको हम बोल देते हैं ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट देखो, ब्लू इज टूवर्ड लोअर वेवलेंथ, ब्लू ब्लू, तो ब्लू शिफ्ट का क्या मतलब हो जाएगा, जैसे मान लो इसी डायग्राम में मैं ब्लू दिखाना चाहूँ, तो अगर कोई ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने की बजाय क्या करें, इसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब हमारे पास कैसे ग्रुप प्रेजेंट हैं, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कम करने से क्या हो जाएगा, ये जो वेवलेंथ है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ब्लू कलर से दिखा दिया मैंने, तो डिस्प्लेस टूवर्ड लेफ्ट, डिस्प्लेस टूवर्ड लेफ्ट हो गया, लैम्डा मैक्स क्या हो गया, कम हो गया। कम होना, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक। तो इसको सिंपल, बहुत सिंपल हो गया वो शिफ्ट आने के बाद। अतः क्या कह सकते हैं आप कि प्रतिस्थापित समूहों के कारण लैम्डा मैक्स का कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन, कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैम्डा मैक्स टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंट इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। कौन शिफ्ट बोलते हैं उनको, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल लो जैसे, से हर एक एक एग्जाम्पल जरूर आप अच्छी तरह नोट कर लेना। बेंजीन, अगेन बेंजीन की वैल्यू तो आपको बता ही रखी है कि लैम्डा मैक्स कितना है, 251 नैनोमीटर। लेकिन बेंजीन में मान लो हमने लगा दिया क्लोरो ग्रुप, और क्लोरो ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो इसका जो लैम्डा मैक्स है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 210 नैनोमीटर। तो क्या मतलब हुआ इसका, 254, यहाँ दोबारा मैंने लिखी नहीं वैल्यू, देखो वही सेम, और यहाँ कितना होगा, डिस्प्लेस टूवर्ड लेफ्ट,
लेफ्ट की तरफ मूव हो गया, लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और ये क्लियर हो ही गया आपको कि ब्लू शिफ्ट इसको क्यों बोलते हैं। ब्लू क्यों बोलते हैं, ये देख लीजिए आप, हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, लोअर वेवलेंथ की शिफ्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। इसी प्रकार एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट और हो सकता है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर। हाइपर का मतलब आप सब जानते हैं, देखो हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, अतिवर्णक प्रभाव। इसके अंदर क्या होगा, देखो इसी डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, ये डायग्राम बना हुआ है, ये इंटेंसिटी हमारी ये है देखो इसकी, इसको हम ई मैक्स कहते हैं। अगर ये इंटेंसिटी बढ़ जाए, इंटेंसिटी बढ़ जाए, नॉट लैम्डा मैक्स, इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब ई मैक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है अगर, तो इसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। हाइपर क्रोमिक इफेक्ट क्या मतलब हुआ, कि यौगिकों में अगर ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हों जो बैंड की जो इंटेंसिटी बढ़ा दें, हिंदी में बोलेंगे बैंड की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, तो उसे हम कौन सा बोलते हैं, हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। जैसे बेंजीन, अब बेंजीन के लिए मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई मैक्स की वैल्यू, तो ई मैक्स की वैल्यू मान लो अपने पास है 200, बेंजीन के लिए है 200, लेकिन जब इसके अंदर ये ग्रुप लगा दिया टॉलुइन, तो टॉलुइन ग्रुप लगाने से, मिथाइल ग्रुप लगाने से, मिथाइल ग्रुप लगाने से हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा और इसका जो ई मैक्स की वैल्यू है दैट विल बी अराउंड 225 हो जाएगा। तो 220 मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। यहाँ हम एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे, यहाँ किसकी बात करें, एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी बढ़ना। जैसे पहले एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी ये है, बढ़ के ये हो गए, इस चीज़ का हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। एग्जाम्पल आपने ध्यान करके नोट कर लिया, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भी, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब इस इन शिफ्ट पे इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस पे आ सकता है आपको क्वेश्चन कोई ना कोई। चौथा, अब हाइपर, हाइपर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपो। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाएगा अपने पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपो, हाइपो का मतलब क्या हो गया, अब इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी ऐसे ग्रुप लगा दें जिससे कि इंटेंसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे अभी आपको पता है कि बेंजीन, बेंजीन के लिए ई मैक्स ये लगाया, लेकिन अगर हमने क्लोरोबेंजीन लगा दिया, तो क्लोरोबेंजीन लगाने से ई मैक्स की वैल्यू जो है वो 200 से वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, से 190 हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब इन सबको मैं एक इकट्ठे डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ देखो, और एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, इससे बहुत ही बढ़िया आपको आ जाएगा कि क्या होता है इनके अंदर। इधर हम ले रहे हैं लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन, इधर लेते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड और इसको मान लो आप ई मैक्स, और एक नॉर्मल जो है दैट इज दिस, डन इस प्रकार से। अब ये इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, ये इसकी ई मैक्स की वैल्यू है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास शिफ्ट इधर हो जाए, यानी वेवलेंथ इज शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट साइड, तब इसको क्या बोलेंगे हम, देन इट विल बी कॉल बैथोक्रेमिक शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्यों, रेड पेन से क्यों बनाया मैंने, क्योंकि इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, ये आपको बता चुका। और अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड यानी लोअर साइड में चली जाती है, लोअर साइड में जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट दिस इज कॉल्ड इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सो क्रोमिक शिफ्ट। इसी प्रकार अगर ये इंटेंसिटी बढ़ जाती है, दैट इज दिस इंटेंसिटी बढ़ना, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, और इंटेंसिटी का कम हो जाना इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। फिर देख लीजिए समरी इसकी, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले ग्रुप हैं, इंक्रीज करने वाले ग्रुप हैं, डन, तब तो हमारे पास क्या हो रहा है, देन वॉट वी आर गेटिंग इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और साथ में कौन सा हो रहा है हमारे पास, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हमने जोड़ दिए हैं, वो क्या करेंगे, लोअर वेवलेंथ की तरफ ले जाएंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये हो गया हमारे पास इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स ऑन लैम्डा मैक्स एंड ई मैक्स। तो आज हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, देखो ये टर्मिनोलॉजी थी, बहुत सिंपल थी बात, मुश्किल नहीं थी, लेकिन आपको आनी चाहिए, बीएससी पार्ट टू में सबको पता होना चाहिए आज के बाद आपको, व्हाट आर क्रोमोफोर्स,
वाट आर ऑक्सोक्रोम्स, सिंपल कर देते हैं, द ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर क्रोमोफोर्स, ग्रुप विच देमसेल्स डो नॉट प्रोवाइड एनी कलर बट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इफ प्रेजेंट विद क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम्स। इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट में चार शिफ्ट बताइए, बहुत सिंपल, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। डन, इतना करिए आप, यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे। कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।